बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। सो आज जो है जी मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, इनके बादल वगैरह आए हुए हैं सारे। तो अभी जो है ईद की नमाज़ कहने लगा था, फजर की नमाज़ पढ़ी, दुआ की अल्लाह से और फिर दूध लेने गया बाइक साहब की। बाइक मैंने कल वाश कर, मेरा कहता था कल मैं चांदा का व्लॉग बनाऊँ, लेकिन वो काम ही इतना था, फिर रात टाइम किया था तो इसमें कुछ इतना खास नज़र नहीं आना था, फिर मैंने ना रहने दिया। सो पीछे भाई लोग बैठे हैं। सो अभी जो है हमारे इधर हुआ है 7 बजे ईद की नमाज है, और जो लेडीज़ की है एक तो तमाम दोस्त भी तैयारी करो और ईदगाह की तरफ चलिए, और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तकबीरा पढ़ते जाना, तकबीरे तशरीह कहते हैं। उस रास्ते वापस नहीं आना, रास्ता बदल के आना, चाहे 1 किलोमीटर हो गए, 1/2 किलोमीटर हो गए, चाहे 1 गली ही क्यों ना बदलनी पड़े, लेकिन अपने घर पहुंचने वास्ते कोई ना कोई मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करना है। इस वास्ते भी जल्दी जल्दी हिम्मत करो, कोशिश करो, 1.5 घंटा बाकी है, सिर्फ 7 बजे इंशाल्लाह ताला ईद नमाज पढ़ाई जाएगी। इंशाल्लाह ताला मस्जिद पाक के अंदर 7:30 बजे हमारी जमात खड़ी हो जाएगी, ताकि टाइम नाल औरतें तशरीफ ले जाके फिर कुर्बानी का गोश्त संभालना और दूसरे मामला, तो 7:30 बजे इंशाल्लाह जमात उन्होंने होगी। तो बीबिया वास्ते ना आना, 7 बजे पहुंच जाओ। किबला सैयद खालिद महमूद शाह गिलानी दामदपुर कासम लालिया आप जी घर वाली इंशाल्लाह बाजी और सैयदानी ने इंशाल्लाह वो इफ्राज अंजाम देंगे। तो जल्दी जल्दी सभी ये मौलवी के आप लोगों ने सुनी होगी बात मौलवी साहब की, सब वो बता रहे थे कि 7 बजे जो मर्दों की नमाज पढ़ी जाएगी और 7:30 बजे जो लेडीज़ की पढ़ी जाएगी। सो ये देखो जो पैसे इकट्ठे कर रहे थे वो हाफिज़ साहब, सो कस परसों से लगे हुए कसम से, तो स्पीकर में बोलते हैं उसकी वजह से ना इग्नोर करना आवाज़ को। सो अभी जो है बकरे की वीडियो, तो बकरा दिखाता हूँ मैं आपको क्या हालात चलाते हैं बकरे की। सो मैंने इसको परसों ने ला दिया था, अगर अकेले मेरे पास पड़ी हुई तो मैं वो ऐड करूँगा, मेरा वो भी मैं ब्लॉग बना, लेकिन ज़्यादा बना नहीं, फिर वैसे ही छोड़ दिया उसके बीच में। तो आज बकरा दिखाता हूँ, सो लास्ट है बकरे का। एक हम लोगों ने बकरा लिया है और दूसरा जो है बेड़े में हिस्सा डाला है, तो हम लोग तो घर में बकरा ही करेंगे। बेड़े का जो है हम लोगों ने इजाज़त दे दी थी, अब लोगों ने सो वो खुद ही गोश्त लेने के जाएंगे कि यार हम 12 बजे जब इधर से फारग हो जाएंगे फिर वहाँ पर जाएंगे गोश्त ले आएंगे, सो फिर ख़त्म करा देंगे, सो उसके तकसीम हिस्सा वगैरह करेंगे। सो कसाई हम लोग भरने वाले हैं कसम से। मैंने एक पिक देखी थी, 2 छुरियाँ पड़ी हुई थी, एक बनैन थी, जो कह रहे थे शॉपिंग डन यानी कि लड़कों की जो ईद होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है ईद की नमाज़ के लिए सूट पहना होता है, आके उतार देना होता है, बकरा ज़िबा करना होता है, तो फिर बाकी सारा काम तो हम लोगों ने करना पड़ता है, बाकी लेडीज़ का मुझे इतना पता नहीं है लेकिन चले खैर कोई भी नहीं। तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। सो ये ब्लॉग जो है मैं सुबह से लेकर मॉर्निंग बनाऊँगा, जो जो इसमें ऐड करूँगा कुछ भी, यानी कि जो जो करूँगा मैं रूटीन होगी मेरी वो मैं ऐड करूँगा, तो देखते हैं फिर क्या करना। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी जो है मैं जा रहा हूँ अपने सूट्स का पता करने, देख ले ईद का दिन है, पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं यानी कि लेट जा रहा हूँ। सो मुश्तबा जो है मुश्तबा राना साहब जो है सुबह सुबह उठ गए थे, सो देखा चाचू बाइक भी जा रहा है, तो बोला चाचू मैंने भी जाना है, सो मैं आऊँ पीछे तो दोस्त हैं। सो अभी दुआ करें कि मिल जाए, क्योंकि वो कह रहा था लाइट ना आई तो मिल जाएंगे, लाइट तो थी रात रात पर लाइट थी ना। यस इंग्लिश चेक कर इसके, तो अभी देखता हूँ फिर ना बता दूँ आप भी आगे कि मिलते हैं कि नहीं मिलते, दुआ करें कि मिल जाए बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूट जो है आपके भाई का सिल गया था, सो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि टाइम से मिल गया। सो अभी जो है 6:30 हो रहे हैं, सो भूजान का पता है टाइम के तो पूरे पाबंद है, कह रहे 6:30 निकलना है। सो बकरा जो है इधर ही बंधा हुआ है, मैं भाई मोनी अबू हम चारों जाएंगे, 2 बाइक्स पे, एक मेरी 70 है और एक 125 है, सो चलते हैं फिर ईदगाह में जाके मिलता हूँ। फाइनली माशाल्लाह से कब्रिस्तान रुके थे अम्मी जान के पास, सो अभी जो है इधर आ गए हैं कब्रिस्तान जनाजगाह, तो ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे, सो फिर मिलता हूँ आप। सुबह शाम भाई मोलम और अबू जान इधर बैठे हैं, तो अभी ये पूरा भर जाएगा, बस थोड़ी देरी हो रहा है, आदमी आ रहे हैं।
भाई रश भी दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ से आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो मौलवी साहब जो हैं वो ईद उल अज़हा का खुतबा दे रहे हैं, जो कि देते हैं वो अच्छी बात है। छोटी भी माइक था लेकिन इस दफ़ा माइक नहीं है, सो ऐसे ही सब मौसम देख लें। काफ़ी अच्छा है, पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी लेकिन अब जो है रुक गई है। अंसर भाई और शमरोज भाई जो आ गए हैं थोड़ी थी आ गए पा यहां आए मां मां साहब भी आ गए हैं। ना मेरा माल है ना ही मेरा माल है, ये माल भी अल्लाह का है, ये कमाल भी वर्ग में ये मारे भाई डंगल वाला चल रहा है शेरी का डंगल वाला सोभी जो फाइनली ईद की नमाज जो अदा कर चुके हैं, सोभी जा रहे हैं घर को, नहीं नहीं तो अभी वेट करते हैं अभी दूंगा। तो अभी जो है ईद की नमाज़ पढ़ के भाई लोग आगे जा रहे हैं, अबू लोग भी चले गए हैं। सो मैं जो है कज़न है मेरे तनवीर भाई, उसे उनका वेट कर रहा हूँ क्योंकि कुरबानी के लिए हम लोग हैं जो हैं थोड़े हैं क्योंकि सईद हम लोग हैं ही नहीं, सो गांव में खुद ही करनी पड़ती है। इधर बाबा तेरे तो अभी देखते हैं भाई साहब बोलेंगे, मैंने बोला है उनको वो आ रहे हैं, सो अभी उनको ले कर फिर मैं चलता हूँ। तो अभी जा कर कपड़े चेंज करने हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल, तो जा कर कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करके फिर छुरियाँ वगैरह जो देखते हैं तो फिर मिलता हूँ। आज ना खूनों खून होने वाला है आपका भाई, इसको देखना वीडियो पूरी देखनी आप लोगों ने, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ईद का व्लॉग है बहुत एक्साइटेड वाला होता है। सो अभी देखते हैं, सो फाइनली जी कसाई जो है रेडी है आई मीन में भाई शाम और बाकी वो बकरा। सो अभी पानी किधर आ जा भाई आ जा। सो लास्ट देखते हैं, सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे हैं और कसाई का काम ख़त्म हो चुका है। हालत देख लें बस इग्नोर करना क्योंकि बहुत बुरी हालत है कसम से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, कज़न था, भाई थे, मैं और इस्साम भाई थे, सब लोगों ने फिर उठा दिए फटे चक थे फटे, मैं और एक दोस्त था साथ हमारे, हम दोनों ने फिर चार लोग थे हम लोग, तो बकरा ही था, खलास कर दिया हम लोगों ने। सभी माशाल्लाह से 10 बज रहे हैं, सो यानी कि टाइम से हम लोगों ने फारिग हो गए हैं। अभी मुँह हाथ धोएंगे, सालन वगैरह अब बन रहा है, भूख लग रही है। सुबह नाश्ता किया था गोभी के पराठे थे, पराठे थे, तो अभी फिर मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ सारा जा रहा हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो था वो ले आए थे, बकरा दूसरा भी
बच्चा जो था उसे जिसमें से डाला हुआ था वो भी ले आए थे। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों में भी बांट दिया, अपनों में भी बांट दिया, रिश्तेदारों में भी बांट दिया, सब में यानी कि तकसीम कर दिया है। सो अभी जो है बैंड बजी बड़ी गर्मी है, हालांकि बाइक पे हूँ लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। ये बाजू काले हो गए थे, मैंने इसको कवर कर लिया है। तो अभी फिर जो है घर चलते हैं, घर जा के नहाते हैं, सूट पहनते हैं। तो अभी वो जिनके घर गोश्त देने के लिए आया था वो थे इधर पीछे, तो पूछ रहे थे गोश्त किस चीज़ का है। सो गरीबों में भी बांट दिया है, अपनों में भी बांट दिया है, यानी कि दे दिया अल्लाह की राह पर जहाँ पर अभी देना था। सो अभी जो है अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं भाई साहब। सुबह का एक आधा घंटा कपड़े पहने बस। सो अभी घर जाता हूँ, धूप में बात कर रहा हूँ आप लोगों से खड़ा, घर जा के नहा धो के फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी फाइनली शाम का टाइम हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए सिटी। और मैं बैठूंगा बाले बनाना, बाले बाइक्स लेके। सो अभी चलते हैं, तो सिटी जाके तो मिलता हूँ आप लोगों से। सो अभी जो है फाइनली सिटी पहुंच चुके हैं। अल्लाह की कसम यार, जरूर अचारी आ गई। अली कौन आइसक्रीम हमारे सिटी की फेवरेट आइसक्रीम है, आई मीन फेवरेट तो है और मशहूर भी काफी ज्यादा है। तो अभी पहुंचे हैं, रास्ते में खप डालते हैं दोस्तों का, दो साथ हो तो खप तो डलती है। अभी तो अभी चमड़ा लगाई दिया है, की खाना की लेना है, की लेना काप काप यार, वो जूस वाला आयो पीछे सब। तो चलो सो अभी कह रहे हैं किधर से नहीं पार्क जाना है वहाँ पे, तो माशाल्लाह तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, कहते रहे पाकिस्तान डिसाइड करते हैं क्या खाना है क्या पीना है। दिस इज माई स्कूल, ये स्कूल है, ये क्लब है, और ये एक डिम्पल आइसक्रीम वाले हैं, बाकी जो दोस्त वगैरह भाई लोग सब पड़े हुए हैं। सो बाकी एक ये वाला है इधर सेटअप। सो अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा लेकिन हम लोग जाएंगे निकाल रहे हैं गाइस। ओए दिखाने दे, सो ये वाला चूज किया देने के लिए खाने के लिए। ये वाले कप जो चूज़ किए हैं अच्छे हैं, मेरे वाले मैंगो फ्लेवर है। सो अभी जो है इसको खाते हैं फिर पार्किंग का मसला बढ़ रहा था। सो कह रहे हैं वो उधर पीछे पार्क है, सो कह रहे हैं इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेकर इतनी खड़ी करनी, खड़ी करनी। सो जगह मिल गई है, तो गले में पता नहीं क्रॉस ही हो रही, पता नहीं क्या मसला। ओए नंबर नोट करो, BNL चौथी। तो अभी जो है पार्किंग में लगा दी बाइक, सब टिकटे लेते हैं वहाँ से, टिकटे में बहुत रश है वहाँ पे। दोस्त लोग बोल रहे हैं कि जो पार्किंग वाला बंदा है उसको पकड़ गए ना, पकड़ लेते हैं साइड पे ले जाए। मैंने बोला चार दीवारी यहाँ पे निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी बाद में। तो अभी वहाँ पर जाते हैं टिकटों के पास, टिकटें मिलती हैं देखते कि नहीं मिलती। सिक्योरिटी वाला भी नहीं है, फुल ही है इधर। तो फाइनली पार्क में जो एंटर हो चुके हैं, रश काफ़ी है, तो बहुत यानी कि ऑसम वाला सीन हो रहा है। मैं आपको ना बैक कैमरा करके व्यू दिखाता हूँ। तो यानी कि रश काफ़ी है इधर। जो सीन है नाइट टाइम चलता है, सो ईद का माहौल है, सो ये देखते हैं अभी चलता भी है। उधर झूले वगैरह सारे घूम रहे हैं, सो इसमें ना यानी कि पानी वगैरह उछलता है, पानी उछलता है इसमें, पानी नहीं उछलता है, पानी उछलता है इसमें। सो ये पहले ग्रिल नहीं थी, मैं काफ़ी देर के बाद आया हूँ लेकिन अभी ग्रिल लगी है। तो मेरा ख्याल है पहले नहीं थी ना ग्रिल, अभी लगी है ये। सो पानी वगैरह अभी थोड़ी देर बाद चलेगा आई थिंक, अगर चला तो। सो वो व्यू भी दिखाऊँगा आपको रश, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं रश कितना है। तो फिर देखते हैं क्या बनता है। सो ये वाला एंट्री गेट है, इधर से ना यानी कि वो होता है लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि इधर ना वो ईद ईद के ईद का दिन है ना, इसलिए लाइटें वगैरह लगी हुई हैं इधर। सो बाकी रश देख लें। तो ये जब चलेगा मैं दिखाऊंगा आपको लाजमी। सो बाकी इधर ये वाला जो है एंट्री गेट, अब टेंशन लेने तेरी वीडियो मैंने ले ली है। सो इधर से जब एंटर होते हैं, सो
रात नाइट टाइम जब इंटर होते हैं ना तो वो वाला सीन देखने वाला होता है, और बाकी ये तो सारा सीन देखने वाला है। सो वो एंट्री गेट है, बाकी ये सारा बहुत बड़ा पार्क है। अभी वो लोग आगे चलेंगे तो मैं भी चलता हूँ उनके साथ। तो सो ये देख लें सस्ता शाहरुख खान कोर्ट वाला सीन हो रहा है सारा। हम लोग सोच रहे हैं कि बैठें कि ना बैठें, बैठें ना बैठें। सो देखते हैं फिर क्या बनता है। पैसे पूरे करने। सो ये वाली जो पीछे वाली स्लाइड है ये स्विमिंग पूल की स्लाइड है, अभी बंद होगा नाइट टाइम। सो विक्रक पता नहीं मुझे। सो बाकी देख लें। सो वो बंदर में बैठे हुए उधर और चाचा वो देखे, वो मेरे दोस्त का भाई बैठा हुआ है वो देखे और टिकट लेनी 10 रुपया उन्हें। सर रश देख लें बोर्ड वाले ऑप्शन में भी काफ़ी सारा रश है। ओ भाई कंजूस सारे। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। सो वो कश्ती चल रही है, वो देखो वो ऊपर वाला चल रहा है, मैं पास दिखा के बता रहा हूं। सो ये वाला है जी पार्क, इधर खाने वाला है स्वागत है सारा। ये देखे झूले सारे लगे हुए हैं, बच्चे सारा घूम रहे हैं इधर। तो वो कश्ती है देखिए सिंपल, यानी कि ना सारा बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ। हमारे सिटी में एक सबसे अच्छा पार्क यही है, और जो आइलैंड नाम है इसका। तो इधर बर्गर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ ही मिल जाता है। सो बच्चे बैठे हुए झूले ले रहे हैं। सो बाकी सस्ते आशिक चेक करें बच्चे माशाल्लाह से कैसे इंजॉय। मतलब बच्चों की इसमें मैं बैठता है नहीं लेते हैं ना, एंड में लेते हैं। अभी चाहे चेक करो यार, अबे 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब। सो रश यानी कि देख लें बहुत, यानी कि इससे भी ऊपर जा सकता है ये, लेकिन इतना नहीं कि इतना ही रहता है, ये चेक करें। अरे स्नैपचैट बनाओ इसकी। अबे कंजूस लोग, सो सही बात है ना, हम लोग आइए हम लोग कंजूस लोग हैं। सो भाई जोकर साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि कैमरा कह रहे हैं पैसे साथ लेकर ना, हम लोग मरे भाई हम कंजूस लोग हैं, कैमरा कैमरा कोई नहीं चलेगा भाई, पैसे पूसे कोई नहीं चलेंगे। तो अभी बस हम लोगों ने देखना तो नहीं है, लेकिन बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इस पार्क में होता है। ऐसे ग्रास सारी है इधर, बाकी सारा इधर फंक्शन है। उधर से आगे से आए हैं वो आप लोग आ रहे हो ना वहाँ पर। तो उधर बाकी सब लोग फोटोग्राफर हैं माशाल्लाह से, DSLR वाला तो नहीं है लेकिन टेक्नो मोबाइल वाले हैं सबके सब। सो बाकी फिर देखते हैं क्या बनता है। तो अभी जो है रात बारात सो गई है, सभी जा रहे हैं। तो लाइट की चेक करें, मैंने बोला लाइटिंग की वीडियो बनाता हूँ मैं, तो वो दिखाता हूँ आपको लाइटिंग। सो लाइटिंग चेक कर सकते हैं आप, यानी कि कितनी ज़बरदस्त हो रही है। पाकिस्तान माफी मेन खौफ दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो इधर से ये एंट्री टोकरी से दिखाई हुई है ज़बरदस्त वाली, गाइस चेक करें। तो आगे भी यानी कि लाइटिंग ऐसी है ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। तो सादा ही ब्यूटी काम कर जानी चाहिए। हाँ सो बाकी अभी कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, यानी कि सिंपल यानी कि देख सकते हैं आप लोग। तो बस मेरा ख्याल है कि ना अब मैं ब्लॉग एंड कर दूँ। सो अभी कुछ और कुछ खाने का चैलेंज करते हैं यहाँ पे, अगर मिलता है खाने के लिए सो फिर मैं दिखाऊँगा। सीन चेक करें, इधर इधर से निकल रहे हैं, इधर से ये उधर से एंट्री है, एंट्री होके इधर से आते हैं देखिए। और लोग जो है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए हैं सब लोग, बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ यार इन्होंने, बट्टे मौज कर दी। सो वो देखेंगे कितने ज़बरदस्त चल रहा है वो वाला। चलाओ आगे चलते हैं यार आ जाओ। सो आज ये पता नहीं क्यों नहीं चला यार, पता नहीं क्या मसला है इनको, वो चेक करें वो देखें ज़बरदस्त है यार। तो पानी अभी उस साइड से बंद है, उस साइड से अभी चलेगा, लेकिन अभी इस साइड से चल रहा है। यो मैन बर्फ का फटा। तो अभी जो है गोल के पे लिए अभी कोई पता नहीं उनका टेस्ट कैसा निकल रहा है कैसा नहीं निकल रहा है। तो बाकी पे पानी लेके आते हैं तो फिर चेक करते हैं। चौथा देख रहा है पांचवा
ओए छोजी शमराज शमराज एक एक और ओए एक और सीरियसली गाइस फुल नाइट जो है वो हो चुकी है तो इनके काम चेक करें। ओए एक अपने ब्लॉग से पाऊंगा। ओए ये गाइस चेक कर इसका यार यार ये वाली क्लिप जो मैं पहले डालूंगा। ओए चेक कर। ओए लड़ा अच्छा ठीक है एक मिनट यार ये देखिए माशाल्लाह शमरोज साहब ए अत्तर रख चुका रख ए कु जा यार ओ भाई आया थल्ले फिर एक झट में जा के जाओ हम चढ़ा से हम इधर ही ओए आ हमारा सीजन में ब्लॉग पहले ऐड करूंगा देखी ओए हम तो चढ़े से भाग के गए यार हम तो कितो चढ़ गए भाई आ जा चली तू जा कट कर दूंगा आजा ओए कट कर दूंगा मैं तो आजा भैया अबे ओए एक बारी और यार की जोंगा मार दिया रे पीछे नहीं जाओ आगे जाके दबाओ ओए जी क्लास अच्छा ओए एक मिनट ओए छोटे छोटे बच्चे छोटे बच्चे चोनिया से करो छोटे बच्चे चोनिया से करो अबे अबे रुक जा इस यार इस बंदे का काम चेक करेगा इसके देखे गाइस एलियन आके ही चढ़ते हैं ओए ओए करके ओए आ वाली क्लिप में ब्लॉग शेयर करूंगा पहले अबे आ दे एलियन ओ माय गॉड एलियन आ वाला मैं ना थंबनेल रखूंगा अपना थंबनेल रखूंगा देखी कितना बाला चढ़ने लगा उत्ते पर यार चांद लगो यार जी छड़ 3 मिनट का देख लो आजा अब्दुल्ला मेरा गाइस फाइनली नाइट जो है वो हो चुकी है तो अभी पार्क में ही है सो अभी घर को निकलते हैं तो मौसम भी है बहुत ऑसम वाला मौसम हो रहा है लाइट ठीक से नहीं फेस पे पड़ रही तो क्योंकि अंधेरा हो चुका है लाइटें जो है उस तरफ है मैं आपको ऐसे सिंपल दिखा देता हूँ उस तरफ है लेकिन मैं तो खड़ा हुआ इंट्रो एंड वाला इंट्रो दे रहा हूँ कैसे लगे ईद का व्लॉग कोशिश करूँगा अगर मैं कल को घर पे हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी जो होगा वो घर पे होगा क्योंकि आज 10 तारीख थी चांद की आपको पता है हम लोग देव वगैरह उतारते हैं तो बस वही कल को देख वगैरह उतारेंगे तो अभी जो है बैठे हुए इधर रेस्ट वगैरह कर रहे हैं लौड़े लोग रेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो अभी जाएंगे घर अभी शायद ओके बेकरी पर रुके वहाँ पर जो हमारे रास्ते में बेकरी आती है वहाँ पर रुकेंगे शायद कन्फर्म नहीं है कि रुकेंगे कहीं नहीं रुकेंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना बेल आइकॉन को प्रेस लाजमी करना ताकि मेरे हर वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार आप लोग सब्सक्राइब चैनल नहीं करते लेकिन मैं देखता हूँ कुछ करते हैं कुछ नहीं करते तो वो अच्छी बात नहीं है यार आप लोगों की मर्जी है तो सबसे प्लस के बाद कोशिश करूँगा कि मैं ना डेली व्लॉग बनाया करूँ लेकिन नहीं हो रहा बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।